गोल्ड प्राइस टुडे 810 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों ईपीएस को लेकर बड़ी अपडेट, जी हाँ दोस्तों ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। ईपीएस पेंशन अब सबको मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों अब पैसे बढ़ाने की बात आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है दोस्तों। पेंशन बढ़ाने के लिए विकल्प के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की विंडो खोल दी। इस विविधता की योजना के अधिक योगदान की और अनुसाधन अधिक लाभ प्राप्त करने की सुविधा होगी। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली योग्य कर्मचारी जिन्होंने 2014 से पहले बड़ी पेंशन कवरेज के विकल्प चुना था, उन उच्चतम न्यायालय ने द्वारा कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 से बढ़ा कर बाद में अगले 4 महीनों भीतर अगर नियोजक साथ संयुक्त रूप से ऐसा कर सकते हैं। कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से ईपीएस सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन 8.33% तक योगदान दे सकते हैं, जबकि पेंशन योजना वेतन 8.33% हर माह 15,000 रुपये पेंशन के लिए। अदालत के शुक्रवार को 2014 संशोधन कर्मचारी की वेतन 1.16% प्रति माह 15,000 रुपये तक अधिक योगदान का निर्माण कर सकते हैं। इसके अधिवाद योजना के अधिक योगदान करने की तदनुसार अधिक लाभ प्राप्त करने की सुविधा होगी। ट्रेड यूनियनों मांग की सरकार सुप्रीम कोर्ट आदेश को जल्द ही जारी करेगा। रिटायरमेंट फंड बॉडी इफको केंद्रीय न्याय बोर्ड से साधारण बैठक बुलाई है। कर्मचारी भविष्य निधि प्रावधान अधिनियम 1952 मूल्य किसी भी पेंशन योजना का प्रावधान नहीं करता था। 1995 में पेंशन संशोधन का कर्मचारी पेंशन के लिए योजना तैयार की गई, जिसमें पेंशन फंड भविष्य निधि कोष के लिए नियुक्त योगदान 8.33% जमा कराने की उस समय पेंशन वेतन 5,000 रुपये प्रति माह था और जिसके बाद बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया था। 22 अगस्त 2014 पेंशन संशोधन पेंशन योगदान वेतन 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। सदस्यों को उनकी नियुक्तों के साथ ही उनका वास्तविक वेतन 8.33% योगदान करने की अनुमति दी थी। यदि सीमा अधिक हो गई तो ईपीएस इसने सभी ईपीएस 90% सदस्य 1 दिसंबर 2014 को संशोधन योजना के चुनने के लिए 6 माह का समय संविधान किया था। हालांकि संशोधन में ऐसे सदस्यों को वेतन अतिरिक्त 1.16% प्रति माह 15,000 रुपये ही अधिक फंड योगदान करने की आवश्यकता थी, जबकि बहुत ही कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन आधार पर योगदान करने के विकल्प नहीं चुना था। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का मतलब ईपीएफओ सदस्यों को नियोक्तों के पास वास्तविक वेतन पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए अब 4 महीने का समय दिया है। अनिवार्य रूप से सेवानृत्ति के बाद उच्च वार्षिक अर्थ होगा। हिंद मजदूर के महासचिव हरभजन सिंह सिंधु ने पीटीआई से बात करते हुए शीर्ष अदालत में अपना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के ग्राहकों को उच्च न्याय पर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए राहत दी है। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आदेश विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि और सदस्यों की दी गई राहत को लागू करने के लिए तुरंत केंद्रीय श्रम मंत्री अध्यक्षता के न्यायाधीश की सीबीटी की बैठक में बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईपीएफओ मौजूदा कानून के संशोधन किए जाए बिना उच्च पेंशन चुनने के लिए ग्राहकों को वेतन अतिरिक्त 1.16% योगदान के लिए नहीं कह सकता है। कोर्ट ने छूट वाले पेंशन निविदी न्यायाधीशों के अधीशों को ये अधिक न्याय दिलाने का विकल्प दिया है। एक अन्य ईपीएफओ ट्रस्ट भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष सोनाकारी मुल्लशेख ने भी सीबीटी के एक साधारण बैठक की मांग की है। मुलसम ने पीटीआई से कहा कि आदेश पूरी तरह से चर्चा करने का, सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए सीबीटी की एक साधारण बैठक बुलाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों की योजना 4.11 के तहत प्रयोग करना समय 4 महीने की अवधि बढ़ाया है। जाएगा निर्देश अनुसार 142 के तहत अधिक